हम लोग अभी परी के वैक्सीन लगवा के आए हैं। उस दिन हमने परी को पोलियो पिलाया था, आज वैक्सीन लगवाई है। इसकी बच रही थी जो 9.5 महीने पे बच्चों को लगती है वो वाली, तो लगवा के आए। और साथ में ही इन्होंने मुझे भी लपेटे में ले लिया, बोले तेरे कोविड की नहीं लगी है, तू भी लगवा ले। तो जो यहाँ पे नर्स हैं वो मतलब हमारे रियल जीजा ही हैं, मेरी ननद है, तो उन्होंने लगवा दी फिर टाइम से ही, तो जल्दी फ्री हो गए। अब हम घर जा रहे हैं। परी तो रोनू भी नहीं करी बिल्कुल भी। तो मैं बना रही हूँ उत्पम, क्योंकि मैंने नया उत्पम मेकर मंगाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना उत्पम बनाते हैं और ट्राई करते हैं कैसे बनते हैं। देखिए हमारे मिनी उत्पम बनकर बिल्कुल रेडी हैं और क्या शानदार लग रहे हैं। हमारी स्किन केयर रूटीन का फर्स्ट स्टेप होता है फेस वॉश करना। हम फेस वॉश इसलिए करते हैं ताकि हमारे स्किन पे जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है या डर्ट है वो सब एलिमिनेट हो सके। तो फेस वॉश के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। तो ये जो मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश है, इसमें हमें मिलता है टर्मरिक और विटामिन सी, जिसमें ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज है जो हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो देती है और साथ ही स्किन रिपेयरिंग का काम भी करती है। हम डेली फेस वॉश यूज करते हैं उस पर्पस के लिए परफेक्ट है, सभी स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। और ये जो फेस वॉश है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स जैसे पैराबेन, सल्फेट, कुछ भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, बिल्कुल सेफ है ये आपकी स्किन के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी इस फेस वॉश में हमें 3 की इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो कि हैं विटामिन सी, टर्मरिक एंड एलोवेरा। विटामिन सी हमें हेल्प करता है सन डैमेज से फाइट करने में। और बात करते हैं टर्मरिक की, तो वो तो आपको पता ही होगा टर्मरिक में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन को नेचुरल रखने में हेल्प करती है। अब बात आती है एलोवेरा की। एलोवेरा में स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, साथ में ही एलोवेरा हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। फेस वॉश के बाद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है फेस सीरम लगाना। मेरा खुद का पर्सनली मानना है कि हमें फेस सीरम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने से पहले हमें फेस सीरम का यूज करना चाहिए, खासकर नाइट के टाइम, रात का टाइम। तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगी कि मामा अर्थ का स्किन एल्यूमिनेटिंग फेस सीरम है, ये बेस्ट सीरम है, मैं इसे यूज कर रही हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, मैं आपको एक बार ओपन करके बता देती हूँ। ये जो बॉटल है इसमें 30 ग्राम के अराउंड सॉल्यूशन आता है सीरम का। और ये जो सीरम है इसमें हमें मिलता है विटामिन सी एंड ऑल्सो टर्मरिक। ये जो मामा अर्थ का विटामिन सी फेस सीरम है ये हेल्प करता है हाइपर पिगमेंटेशन एंड फाइन लाइन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, साथ ही हमारी स्किन को रेडिएंट ग्लो भी प्रोवाइड करता है। इस फेस सीरम में कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स नहीं है, जैसे हो पैराबेन या सिलिकॉन एक्सेट्रा। ये फेस सीरम सभी स्किन टाइप वालों के लिए बना है, ये सभी स्किन टाइप पे सूट करता है, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो। और साथ में ही सबसे अच्छी बात, ये हमारी स्किन को ब्राइटन करने में भी हमारी हेल्प करता है। मामा अर्थ की मैं आपको एक और बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूंगी कि जब भी आप मामा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो ये आपको सीधा लिंक कर देते हैं एक ट्री के साथ। इनका एम है कि 2025 तक इन्हें 1 मिलियन ट्री प्लांट करने हैं, तो इसमें आप उनके सपोर्ट कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल सपोर्ट कर रही हूँ, तो आप भी उन्हें सपोर्ट कीजिए इस अच्छे काम में। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, इनमें कोई भी केमिकल या टॉक्सिन्स नहीं होते हैं, क्योंकि जितने भी ये केमिकल होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो हमारे हमारी बॉडी और हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। साथ ही एक और बहुत अच्छी बात है कि ये हमारा इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। आपको बताना चाहूंगी कि मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप मामा अर्थ की वेबसाइट से, ऐप से, साथ में नायका से, अमेजन से एंड पर्पल की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। जितने भी अडल्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो तो आपको इन सभी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं मामा अर्थ के, तो वो आपको मामा अर्थ की वेबसाइट पे, साथ में अमेजन पे और फर्स्ट क्राई पे अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं जो कि आपको नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, तो आपको 20% ऑफ मिलता है। और ये जो 20% ऑफ मिलेगा ये सिर्फ आपको मामा अर्थ की वेबसाइट और मामा अर्थ की ऐप पर ही मिलेगा, बाकी वेबसाइट्स पे नहीं मिलेगा। मामा अर्थ ने भी रिसेंटली अपनी ऑफिशियल ऐप लॉन्च की है, तो आप वहां जाके भी जितने भी सेल्स हैं और बेनिफिट्स और डिस्काउंट है उनका फायदा उठा सकते हैं।
तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मामाअर्थ की वेबसाइट का और कहाँ कहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए और इतने अच्छे अच्छे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे फिर कमेंट करके बताइए कि आपको मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स कैसे लगे। मेरे ना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे फीवर तो नहीं हो जाएगा, मैंने वैक्सीन लगवाई है तो इतने मतलब सुने थे ना सबके कि भाई लोगों की डेथ भी हो जाती है ऐसे, मतलब आई नो ये सब रूमर्स हैं कि भाई ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा, जो अगर कोई एक्सपायर भी हुए हैं डोज के बाद जो लगी है तो कुछ ना कुछ उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, डोज से कोई भी मतलब किसी को दिक्कत नहीं हुई है। और मुझे भी मतलब जीजा ने बोला था वैक्सीन लगाते टाइम कि ना थोड़ा बहुत फीवर आ सकता है या फिर जिस हाथ में लगी है उसमें पेन हो सकता है, तो मेरे इस वाले हाथ में लगी थी और मेरे अभी तक पेन हो रहा है। जब लगवा के आई थी ना तब नहीं हो रहा था, उसके आधे घंटे बहुत तेज पेन होने लग गया था और मैं परी को लेती भी इसी हाथ से उठाती हूँ, तो फिर मम्मी ने बोला तू रेस्ट कर ले मैं परी को संभालूंगी, तो ये मम्मी के पास ही सो गई थी। फिर उसके बाद मुझे हल्का हल्का ऐसा लग रहा था कि मुझे फीवर आ रहा है फीवर आ रहा है, बट एक्चुअली मुझे फीवर नहीं आ रहा था, मुझे कोल्ड हो रखा है जुकाम हो रखा है, तो मुझे उसकी वजह से लग रहा था। क्या था ना वहम हो जाता है, मैं ना ऐसे लेटी हुई थी नींद तो आ नहीं रही थी वैक्सीन लगवाने के बाद, तो मैं ऐसे सोच रही थी हाँ कहीं मेरे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी तो मेरी छोरी का क्या होगा, मेरी गुल्लुड़ी का क्या होगा, ये गुल्लुड़ी को कौन चुपा लेगा, ये पापा तो ऊपर चल जाती बेडूड़ी। तो ऐसे आते हैं ख्याल जब माँ बन जाते हैं, माँ बनने के बाद आते हैं बेटूड़ी को क्या होगा मम्मा के बिना, जो मम्मा बहुत प्यार करती है बेटूड़ी जी। और आज मैं उनके लिए स्पेशल बना रही हूँ दम आलू की सब्जी, तो आप लोग भी देखिए कैसे बनाती हूँ मैं दम आलू। अभी 4:30-5 बज रहे हैं, 6 बजे के आसपास स्टार्ट ही सेट होने में नहीं आ रहा, कहाँ सेट करूँ उसको समझ नहीं आ रहा। तो दम आलू बनाने के लिए हमको इस साइज़ के आलू चाहिए, मतलब छोटे छोटे आलू होता है ना जो, तो जब आपको दम आलू बनाने का मन हो तो आप मार्केट से छोटे आलू ले लें, या जैसे हम बहुत सारे आलू एक साथ ले लेते हैं खरीद लेते हैं तो उनमें छोटे आलू को आप अलग रखें। तो इनको हम अब छील लेंगे, ये दो आलू छीलने वाला होता है इससे हम सबको छील लेंगे और एक बाउल में डाल के सारों को छील के और अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इनके ऊपर जो स्टार्च नहीं होता सफ़ेद सफ़ेद निकलता है पानी से वो निकल जाए। आलू को छील के मैंने अच्छे से धो के और आपको ऐसे थोड़ी देर प्लेट में रख देना है इनको, ताकि इनके ऊपर जो थोड़ा सा पानी लगा हो वो सूख जाए, और नहीं सूखता तो आपको कपड़े से पूछ लेना क्योंकि हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे, तो अगर हम गीले आलू को ही ऑयल में डाल देंगे तो फिर तेल के छींटे पड़ने लग जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी देर रख दें इसको ताकि हवा लग जाए और ये ऊपर का जो पानी की लेयर है वो सूख जाए। इतनी भयंकर तेज है ये प्याज, मुंह मेरे तो आंसू से लाल हो गया सारा। ये हमारा मंदिर है पास में, हमारा बोल रही हूँ मतलब सबका मंदिर है शिव जी का, तो उसमें ये बजरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना कुछ हो रहा है, मतलब कोविड की वैक्सीन लगवाने, मुझे सुबह से ना प्यास ही प्यास लग जा रही है, मैं इतना लीटर पानी पी चुकी हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं है, और अब वापस प्यास ही प्यास लगी जा रही है, गला सूखे जा रहा है मुँह सूखे जा रहा है, मर मुराने वाली तो नहीं हूँ मैं कहीं, सच्ची वहम हो गया। मैं सब्जी बनाते हैं आगे तो ऐसी वहम करती रहूँगी कि मैं मर रही हूँ मैं कट रही हूँ। अदरक का टुकड़ा, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, हरी मिर्च लाली हो गई है वैसे, अब इसको हम ये, हाँ सच्ची फूड प्रोसेसर के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ये फूड प्रोसेसर है, मिक्सी नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे मतलब ग्राइंडिंग जार लगते हैं दो तीन है यहाँ पे, एक चटनी वाला जो ये है ठीक है छोटा है, किससे बड़ा है जिसमें मसाले वगैरह पीसते हैं, और एक जूसर है बहुत बड़ा सारा वाइट कलर का वो ट्रांसपेरेंट है, और ये है यहाँ पे एक और जार जो कि ऐसे ये ओपन हो जाता है, इसमें हम आटा लगा सकते हैं, सैलड काट सकते हैं, गाजर कद्दूकस कर सकते हैं जो आप लोगों ने देखा था। तो ये जो मेरे पास है ये सिंगर का फूड प्रोसेसर है, ये शादी में मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था और ये हमने ऑनलाइन ही मंगाया था, अब ये ध्यान नहीं है कि अमेजन से मंगाया था या किससे मंगाया था, होम शॉप 18 पे भी मिलता है ये, क्योंकि बड़े जीजा हैं हमारी फैमिली में उनकी शादी में मुझे याद है तो वो मैंने उनके लिए मंगवाया था, मम्मी ने बोला था तो उनका हमने होम शॉप 18 से मंगाया था, और ये मेरा वाला पता नहीं, मेरा वाला होम शॉप 18 से नहीं मंगाया था ये मैं कन्फर्म हूँ, लेकिन किससे मंगाया था वो पता नहीं। तो अगर आप लोग भी मंगाना चाहते हो तो इसे फूड प्रोसेसर बोलते हैं, मिक्सी नहीं बोलते हैं, तो ये सिंगर की है और बहुत ही अच्छी है, मेरी मम्मी के पास भी सेम एज इट इज़ है यही कलर में, तो देख लेना अगर आप लोग लेना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आटा लग जाता है, जूस बन जाता है, मसाले पिस जाते हैं, घी निकल जाता है। ये सारा पिस गया है, अब इसको हम इसमें डालेंगे क्योंकि अभी हम इसमें ये जो हमारे 3 टमाटर हैं इनको धो के हम इनको पीस लेंगे।
आलू मैंने इनको अच्छे से पूछ लिया और ये कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। और अभी क्या करना है, इन सारे आलूओं में हम चाकू की हेल्प से छेद कर देंगे जगह जगह, ऐसे चक्कू से छेद करने से क्या होगा कि जितने मसालों के फ्लेवर है वो आलू के अंदर अच्छे से चले जाएंगे और अंदर से आलू फीके फीके नहीं लगेंगे। अब हम सब्जी छूक लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट। तो सबसे पहले डालेंगे जीरा, हींग, थोड़े से खड़े मसाले, हमने ये पेस्ट बनाया था जो ये, से सारे जो हमने पेस्ट बनाया था वो भुन चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी, लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च दो डाल दी, हरा धनिया 2 चम्मच, अमचूर, बस नमक हम डालेंगे जब हम टमाटर की प्योरे डालेंगे। मैं हमेशा टमाटर के साथ ही नमक डालती हूँ, उससे क्या होता है जल्दी टमाटर गल जाते हैं, प्योरे भी जल्दी पक जाते हैं। अच्छे से ये पक गया, अब हम इसमें टमाटर की प्योरे ऐड करेंगे, इसको ढक देंगे और 10 मिनट कम से कम इसको पकने देंगे। ये कर दिया पानी ऐड, अब इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए पानी में, फिर हम अपने ये जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे हम इसमें ऐड कर, खदका आने लग गया तो हम अब हमारे जो आलू थे वो ऐड कर देंगे। ये हो गए हैं आलू ऐड, अब इसको हम 10 से 15 मिनट बनने देंगे धीमी आंच पे। ठीक है, इतनी रोटियां बना लेते हैं फिर हो जाएगा काम ख़त्म। हो गई है तैयार, तो भाई आज परी को भी वैक्सीन लगी थी हमारे और उसकी मम्मी को भी कोविड की वैक्सीन लगी है। परी को उसके रूटीन वैक्सीन जो लगती हैं वो लगी थी, तो परी तो एकदम ठीक है, मस्ती के मूड में है फुल। लेकिन कोमल की हालत थोड़ी ख़राब है, मुझे लग रहा है उसको थोड़ा फीवर भी आया है कोविड वैक्सीन की वजह से। इसके थोड़े हाथ में भी, जिस हाथ में वैक्सीन लगा था उसमें पेन भी है, तो शायद थोड़ा दर्द ज़्यादा भी हो रहा था, इस वजह से थोड़ा रोने भी लग गई थी। तो बड़ी मुश्किल से इसको चुप कराया, थोड़ा इसका फीवर भी लग रहा है मुझे आया है। तो चलिए पूछते हैं कैसी है इसकी तबीयत, कैसी तबीयत? तबीयत ठीक है मेरी, ठीक है। हाँ, हाथ में पेन, पेन हो रहा है मेरे, बुखार भी है मेरे, फीवर भी है, तो पैरासीटामोल लो। तुम बाप बेटियों ने मुझको परेशान कर रखा है ज़्यादा, तो आज ये थोड़ी फ्रस्ट्रेट ही लग रही है मुझे। देखिए इसकी चेहरे से भी आप सबको लग रहा होगा, उससे में भी है कुछ नहीं। मेरे इतना दर्द हो रहा हाथ में, ऊपर से परी ने आके जहाँ पे मेरे वैक्सीन लगी ना, इंजेक्शन लगा, तो उसी जगह पे आके इतनी तेज मार दी, और ये फ़ोन यूज़ कर रहा है अपना आराम से बैठ के, ये नहीं कि उसको खिला लूँ थोड़ी सी देर। कोई बात नहीं, अब शांत हो, खेल रही, देख आराम से चार्जर चबा रही है। मेरे को इसे लोग मर जाते हैं ना जब कोविड की वैक्सीन लगती है, तो मैं भी निकल लूंगी अभी, फिर कर लेना तुम बाप बेटे क्या करोगे। कोई नहीं मरता कोविड की वैक्सीन, बहुत लोग मरे थे। मैं जल्दी पीछा नहीं छोड़ रही थी। परी जा रही है बेटा, मम्मा बाय बाय। ये लड़की इतनी शैतान, ये नानी कहीं की, ये नहीं आज मम्मी परेशान है तो लगी थी, देख इसको कितना मस्ती है, कभी मेरे बाल खींचती है कि कभी कुछ करती है, ये नहीं एक दिन तो जी लेने दो इंसान को कोई को। ये फोन में लगे हुए, वो आके कभी मेरी आई लैशेस खींच रही है, कभी मेरे बाल खींच रही है, आके मेरे पर चढ़ रही है, मेरे फीवर हो रहा है, सर फट रहा है मेरा इतनी तेज, दिन में तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ और अब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे। तो अभी बच रहे हैं 10:30 और मैं उठी थी 9:30 के आसपास, के ऑफिस के लिए रेडी हो गए थे, उसके बाद मैं उठी थी। तो मम्मी ने खाना वाना बना दिया था इनका आज मेरी बिल्कुल, क्योंकि ये परी
1:30 बजे सोई है ये लड़की, इसको मतलब नींद भी आ रही थी बट फिर भी नहीं सो रही थी। क्या हो गया था, इसके पापा इसे खिलाते खिलाते सो गए बेचारे। बोले मैं तो सुबह ऑफिस जाऊंगा, अब मेरे रात को इतनी तेज़ फीवर हो रहा, दवाई ले ली उसके बाद भी नहीं उतरा। फिर जाके ये सोई, उसके बाद पूरे मैंने नाक पे मुंह पे सब जगह सर पे विक्स लगाई, उसके बाद मैं ओढ़ के सोई, तब जाके मेरे को 3 बजे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, फिर मैं सोई। इसलिए आज मैं बहुत लेट उठी, ये ऑफिस चले गए, उसके बाद मैंने चाय बनाई मेरे लिए, चाय पी, फिर उसके बाद अब परी को नहलाया है मैंने, नहला के उसको बाहर पापा जी के पास छोड़ के आई हूँ, बालकनी में खिला रहे पापा जी उसको। और अब मेरे को वापस ऐसा लग रहा है कि मेरे फीवर चढ़ने वाला है, ये वाला हाथ इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है जिसमें वैक्सीन लगी थी, और शरीर भी पूरा ऐसे ना मतलब कंपन सी हो रही है, ऐसे मतलब टूटा टूटा सा हो रहा है शरीर है। बड़ी मम्मी है, मतलब मम्मी और जो है 5 देवरानी जिठानी है, मेरी मम्मी जो है मेरी सास वो सबसे छोटी है, तो जो सबसे बड़े वाले मम्मी है वो, और उनके बाद वाले हैं जो बड़ी मम्मी वो आए हुए हैं, और एक जीजा है बड़े, ननद है मेरे वो आए हुए हैं, और एक भाभी सा है जो मेरे जेठानी लगते हैं वो आए थे, तो काफ़ी देर बैठे थे। अब उनकी शायद कैब या ऑटो नीचे बुलाया है, वो आ रहा है, तो नीचे डुगो और भाभी सा और से मिल रहे हैं, उसके बाद वो जाएंगे, तो उनके लिए मैंने पैसे निकाले हैं धोख खाने के लिए, तो अभी मैं भी नीचे जाती हूँ धोख खा के आती हूँ, नहीं तो चले जाएंगे। परी तो सो गई, उसको दिए। किसने दिए हैं? माँ ने। बड़ी मम्मी और भाभी सब वगैरह सब चले गए, परी भी सो गई है, जैसा भी सुलाया। मेरे को फाग बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते हैं तो कमेंट में बताना, मुझे बहुत प्यार अच्छे लगते हैं। मैंने अभी फाग के 2 बेस और कराए हैं, एक प्योर का कराया, तो दिखाऊंगी मैं आपको जब मैं पहनूंगी। तो मेरे चढ़ रहा फीवर, मेरे सुबह से चढ़ रहा, और आज मैंने सुबह से टैबलेट भी नहीं लिए क्योंकि उठी थी, उसके बाद परी को नहलाया विलाया था, थोड़ी देर परी खेलने लगी, फिर लाइट चली गई, फिर मम्मी गए थे वहाँ पे बड़े पापा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब उनसे मिलने, फिर वापस आए तो बड़ी मम्मी और सब साथ आ गए थे, तो फिर चाय वाय कॉफ़ी वगैरह बनाने में नाश्ता वाश्ता में लग के, फिर भाभी के साथ बैठ गई अंदर, मम्मी और अलग बैठे थे, दरान जिठानी हम लोग अंदर बैठे थे अंदर, तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की, अच्छा लगा उनसे मिल के काफ़ी टाइम बाद। तो बात करते रहे करते रहे, उस टाइम इतना महसूस नहीं हो रहा था, हो रहा था हल्का हल्का लेकिन इतना महसूस नहीं होता, और अब तो इतना भयंकर सारी गोल गोल घूम रहा है, तो अब मैं जल्दी से दवाई लेती हूँ, परी सो रही उसके साथ सो जाती हूँ ताकि शाम तक थोड़ा सा सही फील हो। भाई मत लगवाना वैक्सीन, सॉरी दुखी होकर बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता था, मतलब जब जिस दिन लगवा के आई थी ना कल पूरे दिन बढ़िया काम कर रही थी, कुछ नहीं हुआ, और रात से तो भाई जो हालत है मेरी वही, फिर आप कहोगे पता नहीं वीडियो में कितनी यार बोल गई, ऐसा लग रहा है मरने वाली हूँ मैं, तो खत्म हो चुका है मेरा जीवन।